गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज बहुत ही स्पेशल डे है। सो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे मेले में। यहाँ पे होता है बैसाखी का मेला, होता है यहाँ पे 13 और 14 को, कहीं कहीं 15 को भी होता है। तो यहाँ पे आज है ग्यूरी घट्टी बोलते हैं यहाँ पे नाम, शायद हाँ यही बोलते हैं, वहाँ पे आज है। और यहाँ पे हिरना नाग जी के मंदिर के पास भी आज होगा। और कई जगह पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे नागनी माता टेंपल है, वहाँ पे भी होता है ये सेलिब्रेट। और कल यहाँ पे टेंसना में होगा गणेश जी के मंदिर के पास। तो वैसे मैंने वहाँ कल जाना था, बट मैं नहीं जा पाऊँगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे कल जम्मू के लिए निकलना पड़ेगा और वो चांस मैंने मिस कर दिया। बट हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि एटलीस्ट यहाँ तो जा रही हूँ, एक मेला तो देख रही हूँ। तो अभी मैं आपको अपने पूरी फैमिली मेम्बर से मिलवाती हूँ, कुछ गांव के लोगों से भी मिलवाती हूँ। हम सारे रेडी होके अब जा रहे हैं, तो मिलवाते हैं। तो ये मेरे मामू हैं, तो ये भी अभी जा रहे हैं रेडी होके। भाई मामू की पर्सनैलिटी क्या लग रहे हो मामू जी, खतरनाक। और वाह, और ये मेरे दलजीत मामू, ये अभी कॉल पे बिजी है। मामी हाय करो। हाय, हाय, ये देखो, बाय मामू। देखो ये सारे मामी हैं। जोश मामू, कैसा जोश है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें। अब मेले में जाएंगे, हम एंजॉय करेंगे अच्छे तरीके से, और पूरा परिवार हमारे साथ है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे ट्रैकिंग टाइप में या कहीं पे भी जाते हो, मतलब हिली एरियाज पे, तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि ये जो धूप होती है ना इधर की, आराम आराम से धीरे धीरे ऐसे काला कर देती, जला देती है इंसान को, सनबर्न हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी कहीं जाएं, सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाएं। चिढ़ाई है ना, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, सांस फूल रही है यार। जैसे उधर से भी नीचे था, पता नहीं हमें उधर पार जाना है पहाड़ी पे, बट अगर हम डायरेक्ट जाते तो ज़्यादा ऊंचाई पड़ती, इसलिए हम यहाँ से आए। अभी से सीधा सीधा होगा चलने को। और सर ठीक है, राजी बाजी खुश नंद है। ये देखो ये सारे वहां के लिए जा रहे हैं। तो सी मेन पर्सनालिटी तो इसी डिस्ट्रिक्ट डोडरी मेन पर्सनालिटी तो पता है। Yeah!
तुम्हें। मामी कैसा मजा है यहाँ पे? बहुत मजा है। बहुत मजा। क्या मजा है इधर? गर्मी है बहुत। मामी जान के बोल रहे हैं बहुत आपके लिए मजा है, आप पहली बार आए हो, आप करो एंजॉय। हम तो रोज इधर ही होते नहीं, लेकिन फिर भी इसे थोड़ी खींचना मेरे घर। यस, बहुत मजा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। चल नहीं हां जी, थोड़ी खींचना इस बात का बड़े प्रोग्राम का करो। मेरे बॉस टाइम के बड़ों घर और तो बाहर के बड़ों मजे हो रहा है। आओ लेकर लौट ले तो जाओ फेटे में को पता के दा करके दा उड़ी सारे से अगरी का चाल रहा फिर ना तो घर है जिनो रो बात। बी मिनट रेशर वाली देवी ना बस ये ठल दे रेशर वाली नहीं है डंडासन वाली। अच्छा डंडासन माता के लिए हम ठल दे रहे हैं। डंडासन वो पंछी में हमारी साइड मेरी दादी की वही ना तो ये मेरी फ्रेंड है। हेलो हेलो, इनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? आरती। आरती है इनका नाम। और हम काफ़ी टाइम के बाद मिले, पिछली बार भी मैं इधर आई थी बट ये मुझे मिले नहीं थे क्योंकि ये जम्मू के पास ही होता है। हाँ जी, इसलिए। और इनको छोटी सी क्यूट सी बेबी भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। पहुंच गए हम, पहुंच गए अभी हम मेला के यहां पर मंदिर आ गए, अब हम जा रहे हैं। अंजलि हमारे साथ है। देखो हमारे से कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। एक मैं भी हूं छोटी, ये भी एक छोटी है, ये सबसे छोटे हैं। ला यार तू ठक पैक का कर नहीं कर रहा ये देखो हम छड़ी ये साथ है तू ले रही है। सो फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही है और हम पहुंचने वाले हैं। हाँ जी, जय करो नाग देवता की, बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की। और साथ ही रहते हैं चिको और दीदी को। हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो कितनी प्यारी। जय करो नाग देवता की, बोल सांचे दरबार की जय। मामा अभी क्या आ रहा है नीचे से? अभी माला आ रही है, ही होते ना भोले शंकर भगवान की माला आ रही है नीचे से। अच्छा। अभी माला आएगी तो फिर ये चौकी लगेगी, फिर जो पूजन होगा सब कुछ हो जाएगा और नाग देवता की पूजा होगी और मेला लगेगा, मेले में सब नाचेंगे गाएंगे। वो देखो लोग आ रहे दूर से, माला आ रही है भगवान की, वो देखो दुनिया दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, नाग देवता जी के दर्शन के लिए आते हैं और वो मतलब उनके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पे कोट लगता है, भद्रवाही ढाउंस लगता है इतने अच्छे से, और बहुत इंजॉय करते हैं। और दिखाते हैं अभी आपको, सब कुछ दिखाएंगे हम यहाँ पे, फिलहाल चलते हैं। ये देखो अभी हम सारे पहुँच गए हैं, उधर पर आओ वो मंदिर, बट अभी यहाँ मामू का फ़ोटो शूट चल रहा है। देखो
जय नागिता। क्या मिल रहा है? मैं क्या बताऊं यहां पे? मैं क्या बताऊं यहां पे? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? ये बताओ ना इनको। क्या बता सकते हैं यहां पे? यहां पर मिठाई मिलती है, देखो ये जलेबी है, ये पकौड़ा है, स्वीट्स मिलते हैं यहां पे, अलग-अलग तरह। ये देखते हैं हैदराबाद, ये गाजर है, गाजर है, ये मिठाई है, ये मोतीचूर लड्डू है, ये गुलाब जामुन है, ये पकौड़े हैं, ये सिंपलू है, ये रंजीत है, ये संजीत है दोस्त संजीता। तो यहाँ ना इतनी सारी चीजें मिलती है, लाइक इनसे पूछिए जरा, अभी से रंजीत से पूछिए, रंजीत बताइए जरा थोड़ा सा इनको। वैसे पैसे से मिलते फ्री में? नहीं नहीं, पैसे से फ्री में खाना चाहते हो वाला बात है। तो यहाँ पे देखो कितना संजीता जलेबियाँ इधर भी जाए, इधर भी देखो बच्चों के लिए यहाँ पे ना खिलौने भी है, ये देखो टॉयज बच्चों के लिए खिलौने हैं, ये देखो बैट बॉल है, ये बैट बॉल चलते किन को नहीं पता। अच्छा ये छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे समर जो है देखो यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए मतलब कितने सारे टॉयज लाए हैं खेलने के लिए। मेले में यही होता है इतने दूर दूर से वैसे यहाँ पे लाना मतलब बहुत दूर से। हाँ ये वाले है ना, ये सब लोकल यहाँ के लोकल ला लें सारे यहाँ के, और चिंता नहीं है, सब सस्ता माल चलता है यहाँ पे, कोई नहीं। हाँ जो दरबार से अगर किसी को खीरे खाने वो खीरे भी खा सकते हैं, देसी खीरे। ये देखो टकाटक वगैरह लेस वगैरह लगाए हैं, बोला साहिल भाई क्यों नहीं आ रहे हो? साहिल भाई क्यों नहीं आए हो आप? अगली बार आना जरूर। हाँ आना चाहिए, है ना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। ये इतना सारा सामान लाया कितनी दूर से, है ना।
सनातन धर्म है, सनातन क्रीम है। पटी जय 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 द्वारा Thank you.
पहुँच गया और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे को टेंसना जाना है और यहाँ से बहुत पास है टेंसना, तो हर मतलब कि हर बार इधर के लोग सारे जाते हैं वहाँ पे, मतलब ये तीन चार जगह है जहाँ पे ये जाते ही जाते हैं, लाइक हिरना नाग मंदिर जो नाग जी का मंदिर है ऊपर, तो वहाँ पे जाते हैं। फिर ये सामने जहाँ पहाड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, पहाड़ी दिखाऊंगी मैं आपको, वहाँ पे हम गए थे उस टेंपल में जहाँ पे आज हम गए। फिर एक नेक्स्ट है टेंसना गणेश जी का मंदिर, वहाँ पे जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगी, शायद मे भी शायद आज उनका मतलब नहीं होगा, मेरा मतलब बुलावा नहीं होगा वहाँ पे, जब भगवान की मर्ज़ी होती है तभी हम जा सकते हैं। तो हाँ, इतनी तो खुशी है, लाइक यहाँ तो मौका मुझे मिला, पहली बार लाइक आई हूँ मैं, मतलब इस जगह पे जहाँ मंदिर गए मैं पहली बार गई हूँ वहाँ पे, तो शायद मे भी इन्होंने बुलाया हो नाग देवता जी ने। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे बहुत सारा मज़ा आया, आपने भी देखा, इंजॉय किया काफ़ी। तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे टेंसना जब बुलावा होगा अच्छे से, बाकी क्योंकि मुझे वापस जाना पड़ रहा है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स तो हो गए थे, मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम्स हैं, तो इसलिए मुझे फॉर्म वगैरह भरना है, एग्ज़ामिनेशन डेट भी मेरी लास्ट आई थिंक 15 है, तो मुझे जाना पड़ेगा। सो इसलिए वापस जाऊँगी हिमाचल, कल निकल जाऊँगी मैं मॉर्निंग में। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यस, और एक और चीज़ ना यार, जिस दिन मेरा मतलब ये होता है ना, जिस दिन भी मैं मतलब कहीं पे भी जाती हूँ, मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो उस दिन मेरा ना लाइक फास्ट होता है, हर जगह जहाँ पर भी जाओ मेरा फास्ट फास्ट फास्ट, पिछली बार प्याला था उस टाइम पर भी फास्ट, कहीं पर भी जाओ मतलब कभी भी, तो मेरा फास्ट ही होता है, पता नहीं क्यों, बट या। सो चलते हैं, अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, एंड करते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। सो और एक और चीज़ थी जो मुझे बताना था आपको, आपको पता है यहाँ पे जब टेंसना में मेला लगता है, बैसाखी का बहुत बड़ा मेला लगता है, इवन अभी जो ये मंदिर है इसको मतलब कुछ ही टाइम हुआ है मतलब बने हुए, मतलब कितने साल हुए मामी, एक दो साल हुआ होगा, तीन चार साल हुए होंगे, मतलब दो तीन साल हुए होंगे बना हुआ, अभी फ्रेश ही है, मतलब नया नया ये बना है। तो जो टेंसना का गणेश जी का मंदिर है वो काफ़ी पुराना मंदिर है, वैसे इधर स्वारधार भी जाते हैं, वहाँ तो मैं पहले गई हूँ, तो टेंसना का मुझे बहुत शौक था, मतलब यहाँ पे ना अभी तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे उतने लोग नहीं थे जितने मतलब कि होते हैं, पर टेंसना में इतने ज़्यादा लोग होते, इतने ज़्यादा लोग होते, लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो पॉइंट है जहाँ पे आज हम गए थे, बट हम डायरेक्ट नीचे से नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो हम मतलब इधर से ऊपर, उधर से फिर स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सीधे सीधे, मतलब सीधा सीधा ही रास्ता, फिर हम वहाँ पे गए थे, तो इतना लंबा, बट बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।